सो हे गाइज, क्या हाल चाल। एंड गाइजर, आप लोग तो जानते हैं कि बहुत जल्द हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है और आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि भाई हैप्पी न्यू ईयर पर फोटो कब आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर पर फोटो भी आ चुका है और इस फोटो का फुल ट्यूटोरियल भी आ चुका है, जो कि अगर आप लोग इस वाले वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो मैं आप लोगों को सेम टू सेम इसी प्रकार का आप लोग को एडिटिंग सिखाने वाला हूं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप में। देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत से लोग आपको एडिटिंग सिखाए होंगे, लेकिन गाइज आप लोग को एक तो समझ में नहीं आएगा और दूसरे बार आप लोगों के पास वैसा पोज नहीं होगा। लेकिन आपका भाई जो आज चीज़ सिखाएगा उसमें आप लोग किसी भी फोटो को, जैसे कि मान लीजिए ये फोटो हो गया या फिर ये फोटो हो गया, किसी भी फोटो के साथ आप लोग हैप्पी न्यू ईयर वाला एडिटिंग कर पाएंगे। यानी पोज इस फोटो में मायने नहीं रखता है, बस आपका एडिटिंग जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फोटो ले लेना है, जो कि आप लोग मेरा फोटो देख सकते हैं। मैं गया था एक जगह तो वहीं पर क्लिक किया हूँ फोटो को, और इसी फोटो को मैं क्या करूँगा, ले चलूँगा देखिए डायरेक्ट कहाँ पर, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज, एक और बात की वीडियो एकदम छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा मैं वीडियो में घुमाऊ फिराऊ नहीं बनाऊंगा, शॉर्टकट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी एकदम आसानी से समझा कर आप लोगों को। तो आपको आना है ऑल फोटो पे, और गाइज देखिए इस पे आने के बाद मैं आपको दूंगा एक ठो प्रीसेट, उस वाले प्रीसेट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको आना है कॉपी सेटिंग पे, और फिर आपको ऊपर वाला सही के निशान पे क्लिक करके आपको अपने फोटो पे आ जाना है। और गाइज, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्या करना है, आपको आना है थ्री डॉट पे, और जो ये पेस्ट का ऑप्शन है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए, वन क्लिक और जो आपका फोटो कितना लाजवाब वाइट हो चुका है, तो इतना काम हो जाने के बाद आप लोग क्या करेगा, अपने फोटो को यहाँ से सेव टू डिवाइस पे जाकर आपको सेव कर लेना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ, एक तो बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया, ऊपर से जो आपका चेहरा है पूरा ही गोरा हो चुका है। तो आप लोग भी ये इतना काम कीजिएगा। इतना काम के बाद देखिए, मैं आ चुका हूँ गैलरी में और मेरा फोटो ये रहा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने फोटो को स्मूथ करना है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर मैं स्मूथ करूँगा तो फिर उसमें वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो गाइजर, आपको बस हल्का फुल्का फोटो अपना स्मूथ कर लेना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं पहले से स्मूथ करके रखा हूँ। फिर आपको इस फोटो को कहाँ पर ले चलना, डायरेक्ट पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। देखिएगा कितना छोटा वीडियो होगा और आप लोगों को सारा स्टेप समझ में आएगा, आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना आसान होता है एडिटिंग करना। तो देखिए, आपको आ जाना है पिक्स आर्ट में, उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन का टूल्स का, इस पर आना है। फिर आपको एडजस्ट पे जाना है, और यहाँ से आपको ब्राइटनेस को लो करके इस तरह इरेजर पे जाकर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, सारा बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा। देखिए कितना मस्त, आप लोग इतना कर दीजिएगा। फिर आपको टेम्परेचर को भी इतनी सा लो करना है, देखिए इतना पे आपको -7 कर देना है। देखिए कितना हार्ड, और मैं क्या करता हूँ इतनी से ब्राइटनेस को लो करता हूँ। इतना काम हो चुका, फिर आपको एक काम और करना है, आपको आ जाना है इफेक्ट पे, फिर आपको इधर आना है ब्लर पे, और इस पर जाने के बाद सिंपली आपको इरेजर पे जाकर और आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। लेकिन गाइज, अभी आपको क्या करना है, सारा ट्रिक आपको अच्छे से समझना है। आपको ब्लर को कम करना है और इरेजर पे जाकर और इस तरह इरेज पे क्लिक करके तीन ऑप्शन आएगा, आपको ओपेसिटी को लो करना है, और इस तरह देखिए आपको शरीर पर अपने चलाना है। देखिए इस प्रकार से, देखिए मैं कैसे चला रहा हूँ, इस प्रकार से आपको भी अपने शरीर के साइड साइड में और इस तरह जो जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे चला देना है। फिर आपको क्या करना है, ब्लर वाले को हाई करना है। देखिए ज़्यादा नहीं, आपको बस इतना हाई करना है। फिर गाइज, इतना काम होने के बाद आपको लगाना है पीएनजी वगैरह। देखिए पहले कैसा था, अब किस कैसा हो चुका है। पहले क्या था कि हाईलाइट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पूरा हाईलाइट फेस आपका, यानी कि आपका जो शरीर है वो हो चुका है। तो फिर देखिए, आपको नीचे आ जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। देखिए मैं आपको सारा पीएनजी का लिंक A to Z आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड फटाफट से कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है और आपको सबसे पहले 2024 वाला पीएनजी को ले लेना है। फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको आना है ब्रेड पे, और इसको आपको क्या करना है, ये जो लाइटेड का ऑप्शन है इसको आप लोग क्लिक करिएगा, और 2024 को आप लोग को इतना पे इसको सेटअप कर लेना है। उसके बाद नीचे जो ये प्लस का आइकन है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्लस का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए इसको और ऊपर करता हूँ और प्लस पे क्लिक करता हूँ।
फिर आपको आना है ऐड फोटो पे, और आपको मैं दो तीन पीएनजी और दूंगा, इस वाले पीएनजी को लेना है और ऐड पे क्लिक करना है। फिर आपको फ्लिप पे जाकर इसको आपको ऐसे फ्लिप करके, और फिर आपको क्या करना है, स्किन इसको कर देना है और इसको आप लोग को इतना पर लगा देना है, कितना हार्ड लग चुका है। एक बार और आपको आना है ऐड फोटो पे, और इस बार आप लोग इस वाले पीएनजी को ले लीजिएगा, और फिर इसी पीएनजी को लेने के बाद इसको भी आप लोग ब्लेंड करके पूरा जूमिंग कर दीजिएगा। एंड आपको इरेज पे आकर इस बार भी आपको ओपेसिटी को लो करके इस प्रकार से आपको फेस का इफेक्ट आप लोग को हटा देना है। देखिए आपको इतना पीएनजी लगाना है, उसके बाद आपको मैंने यानी कि मैं सारा पीएनजी आपको दे दूँगा, टेंशन कोई भी लेने की बात नहीं है। फिर आपको इस वाले पीएनजी को लेकर ओपेसिटी को डाउन करके आपको देखिए इस प्रकार से लगाना है। कहीं कहीं पे मैं यहाँ पर लगाता हूँ ओपेसिटी को लो करके, फिर डुप्लीकेट करके इसको भी यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए गाइज फाइनली स्टेप में मेरा फोटो कितना हार्ड बना है। एंड गाइज इतना सारा काम होने के बाद आपको अपने फोटो को कहाँ पर ले चलना, डायरेक्ट स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। देखिए एक छोटा सा स्टेप बचा है जो कि शायद मेरे फोटो में उसका गरज नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए ये जो एक्स्ट्रा टिप्स है वो बता रहा हूँ। मैं तो मेरा सारा फोटो कम्प्लीटली बन चुका है, लेकिन आप लोग के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को फोटो में क्या होगा, कहीं पे फेस पे ब्लैक, कहीं पे वाइट होगा, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए आप लोग आइएगा टूल्स पे, आपको सिलेक्टिव पे जाना है, और जहाँ पे भी आपको ब्लैक लगे वहाँ पे देखिए इस प्रकार से दोनों फिंगर से मार्क लगाकर ब्राइटनेस को हाई करना है, सिचुएशन को लो करना है। देखिए कितना हार्ड मेरा, अपने हिसाब से मैं जितना चाहूँ उतना जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। देखिए मैं जितना चाहूँ वहाँ फेस पे लाइट दे सकता हूँ, लाइट कम कर सकता हूँ, हर एक चीज़ इससे कर सकता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही क्या करेगा, अपने फेस पे लाइट वगैरह हर चीज़ मेंटेन कर लीजिएगा, जैसे आपका भाई मेंटेन कर रहा है आपके सामने। देखिए कितना हार्ड है, तो आप लोग को भी मेंटेन कर लेना है। देखिए गाइस कितना हार्ड, देखिए मैं अभी दिखा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर। पहले मेरा गर्दन कितना अधेरा था, लेकिन अब कितना हार्ड हो चुका है। तो गाइस यार आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक वीडियो के साथ।